सारा दिन नौकरानी की तरह काम करती रहूं और तुम वहां बैठ के फोन चला रहे हो। हाथ टूटा हुआ तभी तुम्हें चैन नहीं है। हाँ तो दिक्कत क्या है, हफ्ते में एक दिन छुट्टी होती है, उसमें भी तेरी चिक-चिक शुरू हो जाती है। पता क्या तारीख हो गई आज, त्योहार का वक्त है, तुम वहां बैठ के फोन चला रहे हो। मैंने अपने लिए ना कुछ भी नहीं खरीदा अभी तक, ना पार्लर गई ना कुछ शॉपिंग करी। हाँ तो चली जाना, मैंने थोड़ी क्या काम कर। तुमने तो नौकरानी लगाई है बहुत सारी। हाँ तो फिर करती रह चुपचाप। छुट्टी थी आज तुम्हारी, आज तो लेके चल सकते थे ना मुझे शॉपिंग पे, मगर नहीं, सोफे सहने में तो तुम्हारी कमर टूटती है। हाँ टूटा हुआ है मेरा। तो किसने कहा था सीढ़ियों में भागो? हाँ तो तुम्हें किसने कहा था सीढ़ियों में पानी डालने के लिए? पानी डालने के बाद पोछा भी लगाना होता है, वो तो तुमसे लगाया नहीं गया। तो नहीं याद रहा मुझे। हाँ तो बस चुपचाप अपना काम करो, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। हाँ मेरा काम पड़ते ना तुम्हें ड्रामे शुरू हो जाते हैं, अपना काम होता ना तो 2 मिनट में भाग गए होते। तेरे से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होते हैं मेरे। अच्छा मेरा पार्लर जाना इम्पोर्टेंट नहीं है? अच्छा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है तेरा पार्लर जाना तो। पता भी है औरतें कितना खर्चा करती हैं, तुम्हारी कंजूसी है बस। अरे यार क्यों इतना बहस कर रही है मेरे से, चुपचाप अपना काम कर लेना। हाँ कर ही रही हूँ, हुई मैं नौकरानी और तुम्हारी उम्र बढ़ाने के लिए व्रत रख रही हूँ मैं। अपने लिए कुछ किया है मैंने? मैंने तो बोला नहीं था रखने के लिए, मत रखो। और वैसे भी तुम्हारे व्रत रखने से ना मैं मर नहीं जाऊंगा। औरों की औरतें भी व्रत रखती हैं, उनके पति पता कितना साथ देते हैं उनका, खुद भी कुछ नहीं खाते और एक तुम्हें देख लो। हाँ तो जाओ ना उन्हीं के लिए रख लो, मेरे लिए क्यों रखा हुआ है? अरे राम खुद तो कुछ करना नहीं और जो करो उसकी कोई कदर ही नहीं है। यार मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे कुछ भी कदर नहीं है तुम्हारे व्रत रखने की, तुम रखो चाहे मत रखो, अपना काम करो बस, और मुझे परेशान बिल्कुल भी मत करो। ठीक है चलाते रहो अपना फोन इस टूटे हाथ से, घर ही चली जाऊंगी मैं, करते रहना अपना सारा काम इस सोफे पे बैठ के ही। दीदी वो बता दीजिए आप आज शाम को आएंगी या नहीं, क्योंकि कल और परसों तो वो फुल है। जी भैया ऑर्डर था मैडम आपका। लेकिन मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया। लेकिन एड्रेस तो यही है। कितने पैसे हुए? ऑलरेडी पेड है। थैंक यू। ये तुमने मंगवाया है? हाँ मैंने ही मंगवाई है। क्या इसमें? वो मैंने तुम्हारा फोन चेक किया था, उसके अंदर तुम्हारी विश लिस्ट में थी, तो मैंने सोचा ऑर्डर कर देता हूँ। सच्ची? मगर ये तो बहुत महंगी थी ना। वो मुझे ऑफिस से इंसेंटिव मिला था ना, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए गिफ्ट ले लेता हूँ। और ये तुमने कब मंगवाई? ऐसे ही मुझे लगा तुम्हें एक सरप्राइज दे देता हूँ, लेकिन ये हाथ ही टूट गया, इस वजह से रह गया वो। पर तुम मुझे बता तो देते एक बार। अब अगर बता देता तो सरप्राइज थोड़ी रहता। अच्छा तुम इधर आओ मेरे पास बैठ। ये लो। ये क्या है? गिफ्ट वाउचर है ब्यूटी पार्लर का, और इसमें 40% डिस्काउंट भी है, और ये वैलिड भी सिर्फ कल और परसों के लिए है। हाँ तुम यहाँ पर जाकर अच्छे से मेकअप करवा सकती है। मगर ये तुम्हारे पास कैसे आया? एक्चुअली ये मेरे बॉस का था, उन्होंने अपनी वाइफ ले लिया था, लेकिन उनको कुछ और काम आ गया, इस वजह से उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने सोचा तुम्हारे लिए रख लेता हूँ। तुम मेरे लिए कितना सोचते हो, मैं खामखा ही तुम्हें इतना बोल दिया। चलो सॉरी। ठीक कोई बात, अब तुम भी मुझे सॉरी बोलो। लेकिन मैं क्यों सॉरी बोलूं, गलती तो तुम्हारी थी ना। गलती तो तुम्हारी भी है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि तुम मेरे लिए वाउचर दे रहे हो या ये साड़ी दे रहे हो। अरे अगर सरप्राइज में बता देता तो फिर सरप्राइज कैसा रहता? वो सब मुझे नहीं पता, बोलो सॉरी।
हद है, तुम उल्टा मेरी गलती निकाल रहे हो। तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूँ, ऊपर से मैं ही गलत हूँ अब। हाँ, आ गई ना सीधे सामने, दो पल प्यार के नहीं बोलेगा तुमसे। ठीक है मेरी माँ, तुम ही ठीक हो और मैं गलत हूँ। फिलहाल मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज जाके खाना बना दो। तू इस घर की नौकरानी, बस खाना बनाती रहो, काम